कपूर बोन एंड चिल्ड्रन अस्पताल पठानकोट चौक जालंधर के डॉक्टर जशनीव कपूर के पिता एलआर कपूर, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म उठाला श्री देवी तला मंदिर स्थित श्री राम हाल में किया गया। इस मौके पर बबलू पंडित ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय एलआर कपूर की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, उपाध्यक्ष ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व सीपीएस के डी भंडारी, अमित सहगल, प्रिंस ग्रोवर, डॉक्टर नवजोत धैया, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, सुरेश गुप्ता, अनु सचदेवा सहित पारिवारिक सदस्यों में पत्नी विनय कपूर, डॉक्टर जशनीव कपूर, डॉक्टर पूजा कपूर, विकास सेंखरी, नीना सेंखरी सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय एलआर कपूर को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। लेकिन कोई कोई है आज भी संसार में ऐसे लोग विद्वान है जो अपने माँ बाप को बेअंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मैं बहुत से परिवारों को जानता हूँ जो फैक्ट्री से अपने कारोबार से आकर पहले अपने माँ बाप के साथ दो मिनट बैठते हैं उनके रूम में, फिर बीवी बच्चों पास बाद में पहुंचते हैं। धन्य है ऐसी संतान, धन्य है ऐसी औलाद, उन माँ बाप का तो जीते जी ही स्वर्ग ही रहता है। अगर ऐसी औलाद हो तो जैसे डॉक्टर साहब ने अपने बाप की, अपने पिता की बड़े निष्ठा से, बड़े श्रद्धा से सेवा की, ये उनका ही संस्कार है। ये बात माता पिता पर भी तो निर्भर करती है ना कि हम अपने बच्चों को दे के आ रहे हैं। ये स्वर्गीय भौजी का प्रताप है, उनकी मेहनत है, उनका संस्कार है, तो आज उन्हें ये सब कुछ रिटर्न में मिला है। सात्वी भावना से बहुत ही निम्न होकर के, बहुत नम्र होकर के समाज की सेवा में और भगवान की सेवा में और सबके साथ परोपकार लगे रहते हैं, अनुशासन देवा, तो ऐसे भी लोग समाज में, इसलिए समाज अच्छा चल रहा है। तो ये तो अपने हाथ में है कि जीवन को हम कैसे जीना चाहते हैं, ये सब कुछ अपने हाथ में है मेरे भाई बहन। इस जीवन के दो खाते हैं, जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे दो खाते हैं, एक पाप का और एक पुण्य का। तो शास्त्र भी कहता है जो इंसान अपने जीते जी पुण्य वाले खाते को भर देता है उसके मरने के बाद उसको फिक्र नहीं रहती, उसका तो मुक्त होना, उसको मुक्ति मिलना ये निश्चित है। श्री शीतल विज जी, राजेश विज जी, प्रबंध बहन जी और मेरे परम मेरे भाई ललित गुप्ता जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, ये सभी डॉक्टर साहब के बहुत ही नज़दीक और बहुत ही तन मन धन से इनके साथ जुड़ने वाले परिवारों में से एक हैं। जैसे कि तवल साहब ने बताया, कपूर साहब बहुत सबसे प्रेम करने वाला, दिल में दया रखने वाला और गरीबों की मदद करने वाला परिवार, और माँ की कृपा कि उन्होंने हमारे हॉस्पिटल में भी डॉक्टर साहब ने 5-6 साल लगाए हैं और अच्छा नाम कमाया है हॉस्पिटल में भी, हॉस्पिटल को आगे ले जाने में भी इस परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज जी हमारे मंदिर में बैठे हैं, राजेश विज जी, रविंदर बहल जी और डॉक्टर सतपाल गुप्ता जी और हमारे सभी सेवादार यहाँ पर बैठे हैं। आज हम दिल से माँ के चरणों में अरदास करते हैं कि माँ इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में निवास देना और इस परिवार को ये दुख सहने का बल देना। दिन का नमस्कार, मैं वरुण कपूर, श्री एलआर कपूर जी का छोटा पोता, आज आए आप सभी गणमान्य जनों का अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे हंसते मुस्कुराते दादू शांति से स्वर्ग से भाग गए, आज भी उनकी याद मुझे आती है हंसते हुए, अलग ही जोश से मुझे बुलाते हुए। मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो बहुत ही अनुशासित थे वृद्ध अवस्था में भी, रोज सुबह उठकर उन्होंने व्यायाम भी करना, पूजा पाठ भी करना, संकट मोचन के पक्के भक्त थे, बहुत ही डिसिप्लिन हार्ड वर्किंग इंसान थे और खुश एंड फुल ऑफ लव। मुझे जितना सच्चा प्यार उन्होंने दिया है
इस दुनिया में शायद ही कोई दे पाएगा। दादू ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि कैसे टेंशन में, प्रॉब्लम में एक स्ट्रेट फेस के साथ सब कुछ फेस करना। उन्होंने स्ट्रेंथ दी है। दादू की रिटायरमेंट हो गई थी मेरे सेकेंड या थर्ड बर्थडे पे, बट फिर भी रिटायरमेंट के बाद भी वो रोज़ हॉस्पिटल में 10 से 12 घंटे काम करते थे। उनको ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की। पापा उनको रोकते भी थे कि आप रेस्ट करो, आप रहने दो, बट वो पूरे हॉस्पिटल की टेंशन अपने सर पे लेके रखते थे, सिर्फ कि उनके बेटा, बहू और उनके पोतों दोतों सब पे थोड़ी सी टेंशन कम हो सके। लास्ट के दिनों में दादू से जब मैं बात करता था, मैं सबसे पहले उनका हाल पूछता था, दादू आप कैसे हो। वो मेरी बात का भी जवाब नहीं देते थे, वो इग्नोर कर देते थे। वो कहते थे, बेटा तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं यहीं पे हूँ, मैं देखो डॉक्टर बन के ही जाऊँगा। और इससे मुझे पता चला कि उन्होंने हमेशा यही कहा है कि तू बस कर्म कर, सब कुछ सही होगा। और उन्होंने यही सिखाया है।